और न्यूज 18 के एजेंडा पंजाब में पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल चीमा, खनन मंत्री चेतन सिंह जोड़माजरा और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक ने पंजाब सरकार के विकास के कामों को गिनाया। चेतन सिंह जोड़माजरा ने कहा कि खनन में पिछली सरकार से ज्यादा राजस्व इकट्ठा करेंगे, तो वहीं हरपाल चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन से पंजाब के खजाने को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चीमा साहब, इस समय अगर खजाने की पंजाब की बात की जाए तो हालत किस तरह की है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि कर्ज लेकर सरकार जो है मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है और पंजाब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह की सोच को, हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की, उनके विजन को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने हमें रोड मैप दिया है कि कैसे पंजाब के खजाने को और मजबूत करना है। लगातार हमारा GST की कलेक्शन बढ़ा रहे हैं, लगातार हम नई पॉलिसियां लेके आ रहे हैं, चाहे एक्साइज की पॉलिसी हो, चाहे टूरिज्म की पॉलिसी हो, चाहे इंडस्ट्री की पॉलिसी हो, चाहे और तमाम पॉलिसियां हैं, उन पॉलिसियों से हमारा जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है और हम लोगों को जितनी हमारी गारंटियां वो पूरी कर रहे हैं। सर, माइनिंग को लेकर क्या पंजाब सरकार की तरफ से कोई टारगेट रखा गया अगले जो कुछ साल आपके सरकार के 3-3.5 साल का भी समय है और टोटल 5 साल का, कि कोई टारगेट है कि माइनिंग से किस तरह से रेवेन्यू और ज्यादा निकाला जा सके? पिछली सरकार में जो पिछली सरकार थी उससे ज्यादा रेवेन्यू हम इन 5 सालों में इकट्ठा करेंगे और ये पंजाब के हित के लिए होगा, पंजाब के अच्छे कामों के लिए यूज किया जाएगा और पंजाब के लोगों को देखते हुए उन पे कोई वजन भी ना डाला जाए, ऐसा हम जो पंजाब के लिए। सरकार के सामने चुनौतियां हैं क्या, कुछ किस तरीके से काम जब किए जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, किस तरीके से सरकार अपने इन डिपार्टमेंट्स के लिए काम कर रही है? मुझे खुशी है कि इस बार पंजाब के अंदर जो हमें टारगेट दिया गया था केंद्रीय पूल में 182 लाख मीट्रिक टन का, ना केवल हमने वो पूरा किया है बल्कि उससे भी ज्यादा 185.29 करोड़ का हम लोगों ने टारगेट पंजाब के अंदर पूरा किया है। ठीक है। सो 40,726 करोड़ रुपया जो हमारे फार्मर पैडी को लेकर मंडी में आए हैं, 8 लाख के ऊपर हमारे जो किसान भाई उनके खाते में गया।